अगला भाग है ब्याज भुगतान। उपयोगकर्ता को ब्याज भुगतान पर क्लिक करना होगा या पेज के दाएं बाएं कोने में सावधि जमा के अंदर गैर संचयी ब्याज का भुगतान करें टैब पर क्लिक करना होगा। यह स्क्रीन ग्राहक को गैर संचयी जमा के लिए ब्याज राशि का भुगतान करने में सक्षम बनाती है। ग्राहक सूचना में उपयोगकर्ता को प्रवेश संख्या को दर्ज करना होगा या खोज आइकन पर क्लिक करना होगा। एक पॉपअप विंडो खुलता है। वांछित रिकॉर्ड खोजने के लिए रिकॉर्ड पर क्लिक करें और सदस्य नाम, गांव, पिता का नाम, पति या पत्नी का नाम और हस्ताक्षर के साथ अगर उपलब्ध हो तो प्रदर्शित होता है। उपलब्ध नकद शेष राशि प्रदर्शित की जाएगी। उत्पाद विवरण में लेन देन रिकॉर्डिंग की तारीख वास्तविक लेन देन की तारीख सिस्टम लॉगिन की तारीख के समान होगी। उत्पाद को इस स्क्रीन में जमा के आधार पर लोड किया जाएगा। गैर संचयी खाता क्रमांक जमा संख्या होगी। समाज संख्या जमा संख्या है जो खाता बही में रखी गई है। क्रिया के प्रकार डिफॉल्ट रूप से ब्याज भुगतान है। यदि आवश्यक हो तो एक भविष्य के ब्याज भुगतान को भुगतान करने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें। उपयोगकर्ता को ब्याज भुगतान चार्ट विवरण देखने के लिए ब्याज भुगतान चार्ट पर क्लिक करना होगा। यदि ब्याज भुगतान की स्थिति ड्यू है तो ग्राहक को ब्याज भुगतान खाते में ब्याज चुकानी चाहिए। यदि स्थिति पेड है तो ग्राहक को ब्याज भुगतान किया है। अब अपना खाता देखें पर क्लिक करें। तारीख से तारीख दर्ज करें। निर्यात का विकल्प का चयन करें और देखना बटन पर क्लिक करें। वाउचर टाइप का चयन करें, नकद या स्थानांतरण। यदि स्थानांतरण का चयन करते हो लेन देन को पूरा करने के लिए इसी प्रविष्टि को रखा जाना चाहिए। विवरण में लेडजर फोलियो नंबर दर्ज करना होगा जो खाता पृष्ठ संख्या है। रकम कुल रकम है जो भुगतान के लिए देय है और यह शेष राशि की समान होगी। यदि दर्ज की गई राशि सीमा राशि से अधिक है तो एक संदेश प्रदर्शित होता है और लेन देन की अनुमति नहीं देगी। रकम विवरण में राशि के आधार पर वर्णन स्वचालित रूप से प्रदर्शित हो जाएगा। कुल राशि में ब्याज भुगतान प्रदर्शित होता है। उपयोगकर्ता को आवेदन को सहेजने के लिए सहेजे बटन पर क्लिक करना होगा। अगर उपयोगकर्ता हाँ बटन पर क्लिक करता है, वाउचर ब्याज भुगतान राशि के लिए उत्पन्न होता है। अब आप एक संदेश देख सकते हैं जो है वाउचर सफलतापूर्वक तैयार किया गया है। उपयोगकर्ता को ठीक बटन पर क्लिक करना होगा और एक संदेश प्रदर्शित होता है, क्या आप पोस्ट करना चाहते हैं? उपयोगकर्ता को हाँ बटन पर क्लिक करना होगा लेन देन पोस्ट करने के लिए और एक संदेश प्रदर्शित होता है। पद बटन पर क्लिक करें वाउचर पोस्ट करने के लिए। उपयोगकर्ता को ब्याज के भुगतान विवरण देखने के लिए भुगतान लिंक पर क्लिक करना होगा।